सो हाय इरवन, क्या आपके यूट्यूब के चैनल पर 10 सब्सक्राइबर हैं? क्या आपकी यूट्यूब के चैनल पर 100 सब्सक्राइबर हैं? क्या आपकी यूट्यूब के चैनल पर 500 सब्सक्राइबर हैं? क्या आपकी यूट्यूब के चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर है और आपकी यूट्यूब वीडियो वायरल नहीं हो रही है? तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊँगा कि आपको किस प्रकार से वीडियो बनाना है। दोस्तों, जैसा मैं आप सभी को बताऊँगा, अगर आप वैसा वीडियो बनाओगे तो आपका वीडियो ज़रूर वायरल होगा। इस वीडियो में आप सभी को बिल्कुल सही तरीका बताऊँगा कि आप अपने यूट्यूब के वीडियो को किस प्रकार वायरल कर सकते हो। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube के चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो टॉपिक आप सभी को बताने वाला हूं ना, वो टॉपिक से यदि आप उस टॉपिक पे वीडियो बनाते हो तो आप लोगों को 100% गारंटी है कि आपका वीडियो वायरल जरूर होने वाला है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को लाइव प्रूफ दिखाता हूं कि आखिर लाइव प्रूफ में आखिर मैं क्या दिखाता हूं, वो सब आप लोगों को देखना है। वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। चलिए दोस्तों, यहां पे बगल में मैं क्या करता हूं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूं और आप सभी को मैं कुछ वीडियो दिखाऊंगा जिसमें उन सभी का वीडियो वायरल है। आखिर उन लोगों ने किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाया है। चलिए दोस्तों, यहां पे मैं पहली लिंक पे क्लिक करता हूं। जैसे मैं पहले लिंक पे क्लिक करूंगा तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 1.8 के सब्सक्राइबर हैं और इन्होंने क्या किया है कि अपने वीडियो में लाइव काउंटिंग सब्सक्राइबर किया है। मतलब कि इनको सब्सक्राइबर, इनके जो चैनल पे सब्सक्राइबर थे 1000 से कम थे और इन्होंने क्या किया है, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर इन्होंने वीडियो बना दिया है। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, आखिर उनके चैनल पे क्या है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरे लिंक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए इनके भी चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया, लाइव सब्सक्राइब काउंटिंग का वीडियो बना दिया और इनका वीडियो जो है यहाँ पे देखिए दोस्तों 4.6 के गया है। और दोस्तों, यहाँ पे चलिए हम तीसरा वीडियो आप सभी को ओपन करके दिखाते हैं कि तीसरा वीडियो में क्या खास है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं चौथा वीडियो ओपन करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो लाइक्स आया है 33K लाइक आया है और यहाँ पे इनके वीडियोस को देखेंगे तो इनका जो वीडियो का सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है 2000 कंप्लीट होने वाला है और इन्होंने लाइव सब्सक्राइबर काउंटिंग का वीडियो बनाया है। और दोस्तों, यहाँ पे सभी वीडियो में एक कॉमन चीज़ है, मैं आप सभी को बताता हूँ, इन सभी में एक चीज़ कॉमन है। चलिए यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि यहाँ पर जो गाना का यूज किया गया है वो बंदिया रे बंदिया रुकना तू बंदिया, इस गाना का यूज किया गया है। और यहाँ पे और ये लोग क्या किए हैं, एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट किए हैं और उस शॉर्ट वीडियो क्रिएट में यदि इनका 10 सब्सक्राइबर होने वाला है तो ये 10 सब्सक्राइबर का लाइव काउंटिंग वीडियो बना देंगे। 100 सब्सक्राइबर हो रहा है तो 100 सब्सक्राइबर का लाइव काउंटिंग वीडियो बना देंगे। 1000 हो रहा है तो 1000, 2000 हो रहा है तो 2000, और उसमें क्या करेंगे, ये बंदिया रे बंदिया का सॉन्ग ऐड कर देंगे। इसकी वजह से इनका जो दोस्तों जो वीडियो है वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट फीड में चला जाता है और इनका वीडियो वायरल हो जाता है। दोस्तों, मैं आप सभी को एक यहाँ पे क्लियरली चीज बता देना चाहता हूँ, इनका शॉर्ट वीडियो जो है ये गाने की वजह से वायरल होता है, नहीं कि इनके वीडियो की वजह से। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि आप लोगों को अपने वीडियो किस प्रकार वायरल करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे चलिए मैं फिर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ कि आपको अपने यूट्यूब के चैनल पर लाइव जो काउंटिंग है वो आप कहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को सिंपल से अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, ठीक है। वहाँ से आप जो है सब्सक्राइबर की लाइव काउंटिंग जो है वीडियो बना सकते हो। तो आप लोगों को आ जाना है क्रोम ब्राउजर की एप्लीकेशन पे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे मैं सिंगिंग अपना यूट्यूब क्या कर लेता हूँ, साइनअप कर लेता हूँ। साइनअप करने के बाद चलिए मेरा चैनल यहाँ पे ओपन होने वाला है, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं, मेरा चैनल यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे फिर से थोड़ा एक और स्टेप रह गया। चलिए यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा चैनल कंटिन्यू टू स्टूडियो कर देते हैं, ठीक है। करने के बाद जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मेरा YouTube चैनल ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हमें लाइव चैनल काउंटिंग, मतलब जो हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं उनका लाइव काउंटिंग हम कैसे कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे नीचे के साइड जाते हैं तो दोस्तों आप लोगों को देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर पे एनालिटिक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इस वाले ऑप्शन पे आप सभी को क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सब एनालिटिक्स पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे कोने में आप सभी को, चलिए यहाँ पे मैं जूम आउट कर देता हूँ दोस्तों। चलिए यहाँ पे आप लोगों को लिख रहा है रियल टाइम सब्सक्राइबर, मतलब कि दोस्तों अभी लाइव में क्या हो रहा है, आपके चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप सभी को सब कुछ दिखाई देगा। चलिए मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ
और जूम करने के बाद आप लोगों को थोड़ा क्लियरली दिखाता हूँ, सी लाइव काउंट, इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों मेरे भाई आप लोगों को यहाँ पर जितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं लाइव में और जितने सब्सक्राइबर घट रहे हैं आप लोगों को यहाँ पर लाइव दिखाई देगा और आप इस तरह कर की वीडियो बना सकते हो और यूट्यूब के शॉर्ट पर अपलोड कर सकते हो। एंड दोस्तों यहाँ पर दूसरा सबसे मेन पॉइंट क्या है, चलिए उसके बारे में आप लोगों को बात कर लेते हैं। अब दोस्तों आप नो कॉपीराइट सॉन्ग कहाँ से लोगे, बंदिया रे बंदिया जो सॉन्ग है आप उसका नो कॉपीराइट सॉन्ग कहाँ से लोगे? अब सिंपल से दोस्तों आप सभी को आ जाना है यूट्यूब के एप्लीकेशन में, ठीक है। यूट्यूब के एप्लीकेशन में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गाना सर्च कर दिया है, ठीक है। अब सर्च करने के बाद ऊपर के साइड एक थ्री डॉट दिख रहा होगा, इस डॉट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे लिखा है सर्च फाइल, चलिए इस पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों आप सब क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा है क्रिएटिव कॉमन्स, चलिए यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन्स पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे की साइड अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, आप सभी को सिंपल से अप्लाई कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जितना भी गाना है दोस्तों यहाँ पे नो कॉपीराइट सॉन्ग आ चुका है, ठीक है। यहाँ से आप जितना भी गाना लोगे आपके चैनल पर, यूट्यूब के चैनल पर, देखिए यहाँ पर लिखा है बंदिया रे बंदिया, आपके यूट्यूब के चैनल पर कॉपीराइट नहीं आने वाला है। चलिए दोस्तों अब तीसरे स्टेप की बात कर लेते हैं कि जिनका वीडियो वायरल हुआ है उनकी वीडियोज़ को आप टैग अपनी वीडियो में किस प्रकार यूज कर सकते हो। एंड दोस्तों आप लोगों को आ जाना है जो भी फेमस वीडियो है, आप लोग जब यूट्यूब स्क्रॉल करोगे तो आपके चैनल आपके मोबाइल में खुद ही वो वीडियो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप लोगों को क्या करना होगा, उनकी वीडियोस के लिंक को कॉपी कर लेना है, ठीक है। क्या कर लेना है, उनके वीडियो के लिंक को कॉपी कर लेना है। अब कॉपी करने के बाद दोस्तों आप लोगों को आ जाना है टैग यू एप्लीकेशन में। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया है, यदि आप किसी के जो है वीडियो का टैग आप अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में या अपने वीडियो के टैग में लगाना चाहते हो तो यदि आप उनसे कॉपी करना चाहते हो तो आप लोगों को टैग यू एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मैंने टैग यू एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन किया तो लिखा है गेट टैग्स फ्रॉम URL, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो दोस्तों ऑटोमेटिकली है यहाँ पे जितना भी टैग्स उस वीडियो में यूज हुआ है, देखिए यहाँ पे ऊपर के साइड दिखेगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं तो आपका वीडियो जो है वायरल होने का चांसेस बढ़ जाएगा और आपके चैनल पे ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर गेन होगा और ऑटोमेटिकली व्यूज बढ़ेंगे। आई होप ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक ले जय श्री कृष्णा, राधे राधे।